हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक माइक्रो ओवन में जितना भी प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम हम लोग शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व कर सके, ठीक है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी माइक्रो ओवन आता है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को क्या चेक करना होगा, या फिर कंटिन्यूटी चेक करना होगा, ठीक है। ये दोनों पे शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है ये चेक करना होगा। पहले मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट किया, उसके बाद एक पिन यहाँ पे और एक पिन यहाँ से चेक करना होगा कंटिन्यूटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी हो रहा है तो मतलब हमारा माइक्रो ओवन शॉर्ट है कहीं पे, ठीक है। पहले वो शॉर्ट चेक करना होगा, उसके बाद हम लोग इसके यहाँ पर पावर कनेक्शन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है, मतलब हमारा माइक्रो ओवन कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना होगा, या फिर ये जो है ये हमारा फिल्टर पीसीबी है। पहले हमारा जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमारा यहाँ पर फिल्टर सर्किट पे आएगा। फिल्टर सर्किट से वोल्टेज फिल्टर होके हमारा जाएगा मेन पीसीबी या डोर स्विच से जाएगा, ठीक है। तो पहले एक एक करके हम लोगों को चेक करना होगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट आएगा जो हमारा मेन लाइन से आ रहा है। 200 वोल्ट यहाँ से होके ये जो पिन है इस पिन से हमारा जो डोर स्विच होके मेन पीसीबी पे आ रहा है, ठीक है। देखो, पहले हम लोगों को ये जो फिल्टर सर्किट पे जो फ्यूज़ है, पहले हम लोगों को कंटिन्यूटी की मदद से ये फ्यूज़ चेक करना होगा। अगर फ्यूज़ सही है तो उसके बाद अगला प्रोसेस हम लोगों को चेक करना होगा। ये जो दोनों ओएलपी है, जो दोनों ओएलपी है, एक बॉडी पे है, एक बॉडी के है और एक हमारा जो मैग्नेट्रॉन है मैग्नेट्रॉन के ऊपर है, ठीक है। ये दोनों ओएलपी हम लोगों को चेक करना होगा कंटिन्यूटी। ये जो ओएलपी है ये ओएलपी हमारा सही है, ठीक है, ठीक है। और ये जो ओएलपी है ये ओएलपी भी हम लोगों को चेक करना होगा। तो ये ओएलपी में भी हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब हमारा ये ओएलपी ठीक है। देखो, हमारा जो माइक्रोवेव है, इस माइक्रोवेव में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इस माइक्रोवेव में हमारा प्रॉब्लम आता है, एक है हमारा हीटिंग प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये जो हीट की जो मैग्नेट्रॉन है, इस मैग्नेट्रॉन ट्रांसफार्मर है, इस मैग्नेट्रॉन ट्रांसफार्मर में हीटिंग प्रॉब्लम आता है। जो और जो ग्रिल होता है हमारा, जो ग्रिल हीटर है यहाँ पर, ये जो ग्रिल हीटर है, इस ग्रिल हीटर में ग्रिल का प्रॉब्लम आता है, ग्रिल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है। और हमारा जो यहाँ पे जो हीटिंग है माइक्रोवेव का, ठीक है, हीटिंग प्रॉब्लम आता है। तो हमारा फर्स्ट टाइम हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, यहाँ पे जो हीटिंग प्रॉब्लम है ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। हीटिंग प्रॉब्लम क्यों होता है, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होने से हमारा माइक्रोवेव में हीटिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये चेक करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर पावर कनेक्शन देना होगा, ठीक है। पावर कनेक्शन देने के बाद हम लोगों को जो हीटिंग है, इस हीटिंग का प्रोग्राम ऑन करना होगा। हीटिंग प्रोग्राम ऑन करने से क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर में हमारा जो यहाँ पे है, इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट इन होगा, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को एक्टिव करने के लिए, यहाँ पे 220 वोल्ट इन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो पीसीबी है, ठीक है, ये जो पीसीबी है यहाँ पे, ये पीसीबी हमारा सही है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट इन नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा जो पीसीबी है ये पीसीबी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पीसीबी प्रॉब्लम है। तो इस पीसीबी को उस टाइम रिपेयर करना होगा या चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले जो माइक्रोवेव का इस हीटिंग प्रोग्राम ऑन करेंगे, प्रोग्राम ऑन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, 220 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट था, दोनों पॉइंट पे जो पीसीबी है, पीसीबी से 220 वोल्ट आउट होता है और हमारा ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट इन होता है। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम लोग जो मीटर है, इस मीटर को हम लोग एसी वोल्ट पे सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम ऑन कर रहे हैं। हम लोग प्रोग्राम ऑन कर दिया और यहाँ पर हमारा जो 220 वोल्ट है वो 240 वोल्ट के आसपास हमारा यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा
जो पीसीबी है, ये जो पीसीबी सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड से ही है, ठीक है। 220 या 240 वोल्ट है वो सही आ रहा है, मतलब हमारा जो सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड हमारा सही है। तो इसके बाद हम लोगों को इस सर्किट बोर्ड सही है तो इसके बाद हम लोगों को एक ट्रांसफार्मर चेक करना होगा, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर चेक करना होगा, मैग्नेट्रॉन चेक करना होगा, और यहाँ पे कैपेसिटर डायोड है ये चेक करना होगा। ये चेक करने से हमारा जो प्रॉब्लम था, हीटिंग प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे प्रॉब्लम है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए हमारा इसका जो तीन वायरिंग है, इस तीन वायरिंग हम लोगों को चेक करना होगा। ये जो फर्स्ट हमारा जो 220 या 240 वोल्ट इन हो रहा था, ये इसको बोलता है हमारा जो प्राइमरी वायरिंग, ठीक है, या प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये जो दोनों वायर है, इस दोनों वायर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनामेल कॉइल से, ठीक है। और हमारा जो सेकेंडरी कॉयल है, एक हो गया हमारा प्राइमरी कॉयल, एक हो गया हमारा फिनामेल कॉयल, और एक होता है हमारा सेकेंडरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल कौन सा है, यहाँ पर एक बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। देखो, एक बॉडी के साथ अटैच है, ए वाला एक बॉडी के साथ अटैच है, और एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ पर है, ये जो फ्यूज के साथ आ रहा है, ठीक है। ये जो पिन फ्यूज के साथ हमारा कैपेसिटर में आ रहा है, ठीक है, इस पिन को बोलता है हमारा सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। तो ये तीनों कॉयल का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि इसका जो हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस चेक करके देखने वाले हैं। ये जो प्राइमरी कॉयल है, ये दोनों पिन में, इस प्राइमरी कॉयल में हमारा जो ओहम रेजिस्टेंस आएगा, 2 से 5 ओहम तक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीमीटर पे जो है रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी पे दे दिया, और हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो 2 से 5 ओहम तक आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉयल है, प्राइमरी कॉयल हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो फिनामेल कॉयल है, ये जो फिनामेल कॉयल, इस फिनामेल कॉयल हम लोगों को चेक करना होगा। इस फिनामेल कॉयल पे हमारा रेजिस्टेंस आएगा कंटिन्यूटी के साथ, इसका लेस देन 1 कंटिन्यूटी के साथ आएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी भी होगा, और हमारा 0 to 1 पे हमारा कंटिन्यूटी शो करेगा यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग फिनामेल कॉयल को भी चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 पे या 1 पे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी टाइम बाद। तो इसको हमारा आ गया 1 पे आ गया, तो हमारा जो फिनामेल कॉयल है, इस फिनामेल कॉयल भी हमारा सही है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या चेक करना होगा, यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी कॉयल है, ये जो सेकेंडरी पिन है, एक बॉडी के साथ अटैच है और एक हमारा फ्यूज के साथ अटैच है, ठीक है। इस सेकेंडरी कॉयल को हम लोग चेक करने वाले हैं। इस सेकेंडरी कॉयल का रेजिस्टेंस आएगा, ये जो सेकेंडरी पिन है, इस सेकेंडरी पिन में आएगा हमारा 170 के आसपास हमारा सेकेंडरी पे विथ कंटिन्यूटी के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूटी शो नहीं होगा, ओनली रेजिस्टेंस शो होगा, 170 के आसपास ही आएगा, ठीक है। 170 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर था, इस ट्रांसफार्मर में तीनों कॉयल सही है। यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी कॉयल है, ये हमारा जो फिनामेल कॉयल है, और हमारा ये सेकेंडरी कॉयल है, इस तीनों कॉयल हमारा सही है। तो मतलब हमारा ट्रांसफार्मर सही है। इसके आगे हमारा जो कैपेसिटर है, ये चेक करना होगा हम लोगों को, और डायोड और मैग्नेट्रॉन चेक करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग मैग्नेट्रॉन का चेक करते हैं, इसका जो मैग्नेट्रॉन को चेक करते हैं। मैग्नेट्रॉन का जो इसको चेक करने से क्या होगा, ये जो मैग्नेट्रॉन है, इस मैग्नेट्रॉन का जो कंटिन्यूटी आएगा, ठीक है, ये दोनों पिन में, ये जो दोनों पिन है, दोनों पिन में कंटिन्यूटी आएगा 0 to 5 कंटिन्यूटी आएगा, प्लस इसके साथ कोई भी एक पिन के साथ बॉडी पे बॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम हमारा ये मैग्नेट्रॉन सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट किया, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं दोनों पिन में फर्स्ट टाइम कंटिन्यूटी शो होगा, और 0 to 5 हमारा लेस देन आएगा, ठीक है, 0 to 5 के अंदर हमारा जो कंटिन्यूटी था वो कंटिन्यूटी रहेगा।
इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कोई भी एक पिन के साथ बॉडी के साथ अटैच करते हैं और हमारा कंटिन्यूटी नहीं शो होना चाहिए। दोनों पिन पे कोई भी एक पिन में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ये जो मैग्नेट्रॉन है इस मैग्नेट्रॉन से ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, यहाँ पर एक फ्यूज़ है, ठीक है। पहले इस फ्यूज़ को चेक करना होगा, फ्यूज़ सही है या नहीं सही है, ठीक है। फ्यूज़ को चेक करने से एक पिन यहाँ पर और फ्यूज़ के होके एक पिन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों पिन में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे और हमारा जो फ्यूज़ सही है या फ्यूज़ ख़राब है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को भी चेक करना होगा। कैपेसिटर हमारा 1 MFD का कैपेसिटर आता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर हमारा 1 MFD हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को हमारा पहले हमारा एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को पहले ओम पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को पहले MFD पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। माइक्रोफेरेट पे सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ऑटो नैनोफेरेट या माइक्रोफेरेट दे दिया है। यहाँ पर चेक करना होगा हमारा 1 MFD आएगा और चेक करो, देखो हमारा 1.025 हमारा UF आ रहा है यहाँ पर, देखो UF आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा 1 MFD का हमारा जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर भी सही है। तो इस तरीके से हम लोग जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटर मैग्नेट्रॉन चेक किया, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम हम लोगों को चेंज करना होगा या रिपेयर करना होगा। इसके बाद हमारा ये जो डायोड है इस डायोड को चेक करना होगा। इस डायोड को हम लोग एक मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक 9 वोल्ट का बैटरी चाहिए हम लोगों को। 9 वोल्ट की बैटरी की मदद से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। इस डायोड का काम क्या है पहले जान लो। इस डायोड का काम है जितना भी वोल्टेज यहाँ पर इन हो रहा है डायोड में वो क्या करता है, वोल्टेज आधा कर देता है। यहाँ पर अगर हमारा 100 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर आउटपुट देगा वो 50 वोल्ट का, ठीक है। जितना भी वोल्टेज आएगा वो उतना ही आधा कर देगा, तो उस टाइम हमारा ये डायोड सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर वोल्टेज सेम वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया और यहाँ पर भी 100 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा ये डायोड ख़राब है। अगर आधा से कम वोल्ट आ रहा है तो मतलब उस टाइम भी हमारा वोल्टेज ये डायोड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा ये जो डायोड है इस डायोड को हम लोग चेक करके दिखाएंगे वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इस 9 वोल्ट की बैटरी की मदद से हम लोग ये चेक करेंगे, ठीक है, डायोड सही है या ख़राब है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को ये 9 वोल्ट है या नहीं चेक करना होगा, ठीक है। मल्टीमीटर को हम लोग DC पे सिलेक्ट किया, DC को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा आ रहा है 9 वोल्ट ही आ रहा है, ठीक है, 9.65 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना होगा, हमारा जो बैटरी है बैटरी हमारा 9 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक वायर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, ठीक है, यहाँ पर या इस पर दोनों एक साइड में ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को ये वोल्टेज चेक करना होगा, सही वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, 6.17 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा जो वोल्टेज था वोल्टेज आधा हो चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे किया, ठीक कैसे किया, देखो एक वायर हमारा आ रहा है सीधा ये जो डायोड है इस डायोड पे आ रहा है, ठीक है। एक वायर डायोड से वोल्टेज जो था वो DC वोल्ट 9 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट आधा करके, ठीक है, 6 वोल्ट इस साइड से हमारा जो मल्टीमीटर है मल्टीमीटर पे आ रहा है, और एक जो वायर था ये हमारा मल्टीमीटर पे आ गया, तो ऐसे वोल्टेज हमारा आधा हो चुका है। उस टाइम हमारा ये जो डायोड है इस डायोड हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट्स चेक करते हैं, चेक करके हम लोग
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हीटिंग का पार्ट, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ग्रिल का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रिल नहीं आ रहा है, ग्रिल नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो ग्रिल है, यहाँ पर एक ग्रिल, ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट टाइम हम लोगों को प्रोग्राम ऑन करना होगा। प्रोग्राम ऑन करना होगा। ग्रिल प्रोग्राम ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना होगा, ठीक है, 220 या 240 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर 220 या 240 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम हमारा जो पीसीबी बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 220 या 240 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा ग्रिल हीटर प्रॉब्लम है, ठीक है। ग्रिल हीटर को चेक करने से क्या, ग्रिल हीटर कैसे चेक करते हैं, ये जो ग्रिल हीटर है, इसका रेजिस्टेंस आएगा 40 से 60 तक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, 40 से 60 ओम पे रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो चेक करके आपको दिखाते हैं इसका रेजिस्टेंस सही है या नहीं, खराब है, तो चेक करके देखते हैं इसका जो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम लोग फास्ट कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करना होगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट किया और हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। हेलो, आते पर भी? देखो हमारा कितना बोला था, 40 से 60 तक आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 61 आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ पर ग्रिल हीटर सही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को एक एक करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका जो फुल वायरिंग डायग्राम है, ठीक है, जितना भी वायर, कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ है, ये चेक करने से हम लोगों को क्या करना होगा, हमारा पहले से एक वीडियो है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं।